तो एमएस धोनी के साथ हो चुका 15 करोड़ का स्कैम। जी हाँ गाइस, दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एमएस धोनी ने अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक डील करी थी। इस डील में एमएस धोनी ने अपने पार्टनर्स को कहा था कि आप मेरे नाम पर पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट एकेडमीज बनाइए, लेकिन इनके पार्टनर्स ने इनको चूना लगा दिया, जिसके चलते एमएस धोनी ने अपने फॉर्मर बिजनेस पार्टनर्स पर क्रिमिनल केस कर दिया। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की, जो की विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर काफी बड़ी खुशखबरी आती है। तो आपको पता ही होगा कि काफी ज्यादा डाउट थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन फाइनली ये डाउट्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने BCCI को कंफर्म कर दिया कि वो इस बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, और ये एकदम ऑफिशियल न्यूज है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के मैचेस भी सामने आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और 9 जून वाले मैच का तो सबको इंतजार रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की, जो कि डेविड वॉर्नर के बारे में। तो डेविड वॉर्नर आज टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। आज ये लास्ट बार ग्राउंड में दिखे थे, और इनके फाइनल टेस्ट मैच के बाद ये काफी इमोशनल हो जाते हैं, और इनके फैंस भी इन्हें ग्राउंड में सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं। इस मैच के बाद डेविड वॉर्नर कहते हैं कि मेरी फैमिली मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने फादर और मदर को अपनी अच्छी परवरिश का क्रेडिट देना चाहूंगा। गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। एंड 600 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।